डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सर्विस ट्रायंगल। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ और रिलेटेड टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस क्वालिटी। जैसे आप जाते हैं कहीं, बोलते हैं कि भाई हमें सर्विस अच्छी नहीं मिली या पर्टिकुलर कंपनी की सर्विस अच्छी है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वेलरिज सर्विस क्वालिटी मॉडल के अंदर। तो एक एक टॉपिक को हम लेकर के आगे बढ़े, उसके पहले थोड़ा सा हम आपको सर्विस के बारे में बता दें। हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही जो है कस्टमर के नीड को फुलफिल करते हैं। दोनों का अलग अलग तरीका है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट फिजिकल आइटम्स होते हैं, इनटेंजिबल आइटम्स होते हैं, टेंजिबल आइटम्स होते हैं, चाहे वो पैकेज फूड हो, बीवरेजेज हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी की वो हो, ठीक है ना, रॉ मटेरियल हो, ऑटो पार्ट्स हो, ऑटोमोबाइल हो, ठीक है, कंप्यूटर हो आपका, ये सब जो है किस में आते हैं, प्रोडक्ट में, ठीक है। और सर्विसेज में क्या आ जाते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ट्रेवल बिजनेस, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना, एक दूसरे से टेलीकॉम कंपनी में बात करके एक दूसरे से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, टाइम समय बर्बाद होता है, लेकिन क्रिकेट तो 8 घंटा देखते हैं, क्या मिलता है, दैट इज वन काइंड ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड विच गिव हैप्पीनेस टू यू ऑल। कोर्ट में क्या मिलता है, लड़ाई झगड़ा तो घर में हुआ, फिर कोर्ट में मिलता क्या, कुछ नहीं, आज तक कोर्ट से किसी को कुछ नहीं मिला, ठीक है ना, लेकिन लोग जाते हैं, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा सब जो है आप थोड़ा सा लड़ाई किए, वो और ज़्यादा लड़ाई करवा देते हैं, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप पैसा कमा करके उनको देते रहें, उनका घर चलते रहे और आप गरीब होते रहो, ठीक है ना। शॉपकीपर क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर आपको बेचते हैं, तो बीच में सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, ठीक है ना। जोमेटो टोमेटो ये सब आप देखते होंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज, वेयर हाउस, गोडाउन, LIC, इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, तो ये करते क्या हैं, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है ना। और सर्विस में भी हमने आपको बताया था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर्विस के, ठीक है ना, कि ये टेंजिबल आइटम्स होता है, ठीक है ना, कस्टमर को फुलफिल करता है, कस्टमर को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या, सर्विस ट्रायंगल। सर्विस ट्रायंगल दैट मीन्स कि व्हाट एवर इज द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, ये जो है बेसिकली सर्विस ट्रायंगल एक साइंटिस्ट दिए, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बीच में यदि याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो कुल मिला करके यदि आप सर्विस क्वालिटी की बात करेंगे ना, तो सर्विस क्वालिटी में आपको सेंटर पर कौन है, सेंटर पर कौन है, कस्टमर, ध्यान दीजिएगा, कस्टमर सेंटर पर है, और इधर कौन है, सर्विस स्ट्रेटेजी, ये कौन है आपका, पीपल, हम आप जो भी हैं, पीपल हो गए, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, सर्विस स्ट्रेटेजी, सामने वाला सर्विस कैसा दे रहा है, सर्विस स्ट्रेटेजी और सिस्टम, ठीक है ना, ये तीनों मिल करके जो है आपके जो है नीड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ये जो है आपका एक ट्रायंगल का लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, सिस्टम भी इससे जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, इससे भी जुड़ गया। इसको और अच्छे से यदि हम बनाना चाहें तो ये कस्टमर हो गया, ठीक है ना, ये आपका सर्विस स्ट्रेटेजी हो गया, ये आपका सिस्टम हो गया और ये पीपल हो गया। ये देखिए ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को समझेंगे। अब इस ट्रायंगल से एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर पर कौन है, कस्टमर, सेंटर पर कौन है, कस्टमर। तो ईच एंड एवरी जॉब शुड बी कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर हमारा कैसे खुश रहे, फोकल पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन, ठीक है ना, एक्शन ऑफ द ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन, एक्शन हो, सब कुछ कस्टमर को ध्यान में रख करके करना चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं, जो भी आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, किसको ध्यान में रख करके, कस्टमर को, ठीक है ना। तो बेसिकली
ये जो है जेमकेज सर्विस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम याद आ गया, जेमकेज, जेमकेज सर्विस ट्रायंगल इसको बोलते हैं, सर्विस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर इज एग्जिस्टिंग टू सर्व द कस्टमर एंड द सिस्टम एंड द पीपल एंड मोर ओवर द सर्विस स्ट्रेटेजी ऑल मस्ट बी अलाइंड ना विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि हम लिखें, इन शॉर्ट लिखने की यदि प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं कि कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज टू टू डिलीवर एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आजकल थोड़ा मार्केट सेंट्रिक चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर इज स्टिल किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है ना। इट इज द लिंक, बेसिकली इट इज द लिंक। तो यहाँ पर जो आप लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग लाइन ज्वाइनिंग कस्टमर टू पीपल, ठीक है ना, बेसिकली इम्प्लाइज दैट दे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। लिंक बिटवीन द स्ट्रेटेजी एंड कस्टमर या स्ट्रेटेजी टू पीपल, दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड द स्ट्रेटेजी टू फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, बी वेल अवेयर व्हाट कस्टमर वांट्स, ठीक है ना। सिस्टम, इसमें सिस्टम भी आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कस्टमर को जो है दिमाग में जाए, मतलब कि कीपिंग कस्टमर इनटू माइंड सिस्टम यू हैव टू डिजाइन, ठीक है ना। बेसिकली कस्टमर इज द कस्टमर, पीपल, सर्विस स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम, ऑल फोर, इसी चार पे आपको विचार करना है। बट सेंटर में कौन है, कस्टमर है, ये सब चीज इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यदि सिस्टम और पीपल को लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सर्विस ऑपरेशन, ठीक है ना, और प्रोसीजर शुड बी पीपल फ्रेंडली। सिस्टम हमारा एक ऐसा, जिसे हम लोग बोलते हैं ना यार, देश का सिस्टम क्या है, देश का सिस्टम से हम चिढ़ रहे हैं अपने देश का, मतलब कि सिस्टम हमारा सही नहीं है। इसका मतलब कि जो अभी देखिए, ये तो सरकारी है, सरकार का मतलब ये होता है जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं, वही सरकार है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं चलेगा, प्राइवेट में ऐसा कभी नहीं चलेगा। तो इसको ध्यान में रख करके आपको काम करना है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसको, सर्विस ट्रायंगल, याद रहेगा सर्विस ट्रायंगल, ठीक है ना। ये कस्टमर हो गया, ये सर्विस स्ट्रेटेजी हो गई, ये पीपल हो गया, सिस्टम हो गया, सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और सबका पर्पज सिर्फ और सिर्फ क्या है बताइए, कस्टमर सर्विस, कस्टमर हैप्पीनेस, ठीक है। अब आ जाए देख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस क्वालिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सर्विस की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करते हैं, तो दैट कैन बी इवेल्युएटेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, टेक्निकल, ठीक है ना, टू एस्पेक्ट्स इसका क्या हो सकता है, एक हो सकता है टेक्निकल, ठीक है ना, एक टेक्निकल क्वालिटी दैट इज द डिलीवर्ड एंड अनदर इज फंक्शनल, ठीक है ना। अब टेक्निकल क्या होता है कि रिलेवेंट क्राइटेरिया, नीड, ठीक है ना, परफेक्शन, ठीक है ना, इवेल्युएशन इत्यादि को ध्यान में रख करके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो आ रहा है, ठीक है ना, टेक्निकल नीड को पूरा करें। फंक्शनल, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिस पर्पज से उसको लिया गया है वह पर्पज को फुलफिल करे, ठीक है ना। जैसे एस्थेटिक, सबसे पहले कि देखने में अच्छा हो, इर्गोनोमिकली वो जो है क्या बोल सकते हैं, कंफर्ट हो ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है ना, कस्टमर के लिए, ठीक है ना। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे रिलायबिलिटी,
आपके सर्विस पे वो रिलायबिलिटी हो, जैसे घर का कोई मशीन है खराब हो गया तो हम सर्विस सेंटर वाले को बुलाते हैं, तो हम मान करके चलते हैं कि आज हमने सर्विसिंग करा ली है, ठीक ना, रिपेयर करा ली है, तो अब अगले कुछ दिन तक मशीन हमारा ठीक रहेगा, हम किसी डॉक्टर के पास गए, दवा खाए, हम ठीक हो गए। तो कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस जो है होना चाहिए, ये नहीं कि आज दवा खा लिए तो ठीक हो गया, दवा खाना बंद कर दिए फिर बीमारी हमारा शुरू हो गया। तो बेसिकली रिलायबिलिटी इज नथिंग बट कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस। क्या लिख सकते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक ना। एक दूसरा पैरामीटर होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस मतलब प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, ठीक ना, डिग्री ऑफ एक्शन, ठीक ना, कितना जल्दी आप सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक ना, डिग्री ऑफ एक्सेस, ठीक ना। कस्टमर आया आपके दुकान पर और इमीडिएट आपने पूछा क्या चाहिए, तो उसको अच्छा लगेगा, भीड़ है तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब एक मिनट के लिए बैठ जाइए, ठीक ना, तो वो जो है आपको समझेगा कि हमारा ख्याल रख रहा है, वो एक मिनट नहीं एक घंटा जो है रुक जाएगा, लेकिन आप प्यार से उससे बात तो करें, ठीक ना, प्यार से बात करेंगे तो ज़रूर रुकेगा, ठीक ना। तीसरा जो टर्म आता है कर्टसी, कृतज्ञता जिसको बोलते हैं, ठीक ना, कस्टमर को थैंक यू, ठीक ना, बोलना मत भूलिए, ठीक ना, थैंक यू थोड़ा सा बोल दीजिए, इतने में इंडिया की कस्टमर जो है ना खुश हो जाती है, इंडिया के कस्टमर को जो है थोड़ा सा आप पोलाइटली बात कर दीजिए, पोलाइटनेस आपके अंदर हो, ठीक ना, रेस्पेक्ट आप उसको दे दें, बुजुर्ग आदमी है तो उसको थोड़ा नमस्ते कर लीजिए, जय सिया राम बोल दीजिए, ठीक ना, राम राम बोल दीजिए, खुश हो जाएगा, फ्रेंडली नेचर दिखाइए, भले फ्रेंडली नेचर हो या ना हो लेकिन फ्रेंडली नेचर आप दिखाइए, क्योंकि बिजनेस में आपको रहना है, ठीक ना। और भी कोई पॉइंट आए आपके दिमाग में तो आप कर सकते हैं, ठीक ना, आप कोई प्रोडक्ट आज आप उसको दिए हैं, कल परसों होकर के आता है तो आप उससे पूछिए कि कैसा लगा था जो हमने दिया था, ठीक ना। उसके बाद क्रेडिबिलिटी जो है ना, खुद क्रेडिबिलिटी मत लीजिए कभी भी, कस्टमर को क्रेडिट देने की कोशिश कीजिए, ठीक ना, इससे क्या होगा कि ट्रस्ट वर्थीनेस जो है बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है मतलब विश्वास बढ़ता है कस्टमर, और कई लोगों को आप देखिएगा ना कि पर्टिकुलर दुकान से ही सामान खरीदते हैं, इधर उधर से नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर उसका ट्रस्ट रहता है, जिसे ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं, ठीक ना, ब्रांड वैल्यू जिसको बोलते हैं, ब्रांड वैल्यू कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है कस्टमर का विश्वास जीत करके, ठीक ना। कम्युनिकेशन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवा जो पैरामीटर है कम्युनिकेशन, ठीक ना, कनेक्टेड रहें, मैं देखता हूँ, ठीक ना, कहीं से कुछ खरीदा हमने और उस बाय द वे उसने फ़ोन नंबर ले लिया, या छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है या कुछ, अब वो मेरे बर्थडे पे विश कर रहा है, ठीक ना, वो हमारे फेसबुक से कनेक्टेड हो गया, ठीक ना, फिर वो जो है दो महीने के बाद फोन लगा कि सर आप जो सामान खरीद कर ले गए कोई दिक्कत तो नहीं है, सर उसकी फ्री सर्विस है, आप सर्विस करा लीजिए, ठीक ना, आपका क्या फीडबैक है। तो भले कुछ हो या ना हो, उतना से ही क्या होता है, कस्टमर खुश हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद यदि आप सिक्योरिटी दे पाएँ तो और अच्छी बात है, ठीक ना, आप कम से कम उसको विश्वास दे पाएँ कि नहीं सर ये जो सामान आप ले करके जा रहे हैं दैट इज द बेस्ट एंड इट हैज हैविंग द गारंटी, डोंट वरी आई एम हियर, भले कुछ हो या ना हो, ठीक ना, खराब हो जाएगा सर तो हम पूरे जो है पैसा लौटा देंगे आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसको कहते हैं, ठीक ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि सौ में हो सकता है एक प्रोडक्ट खराब निकल जाए तो आप लौटा दो, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, विश्वास बन जाता है, ठीक ना। एक सबसे बड़ा फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर के भी व्यवहार को समझना बिजनेस की बहुत बड़ी सक्सेस है, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर के व्यवहार को आप समझ लेते हैं ये बहुत बड़ी आपकी जीत होगी, ठीक ना। उसी तरह से कुछ टेंजिबल्स जो आपके
आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये कई बार होता है, कंपनी कोई बहुत बड़ा आइटम बेच रही है तो उसके साथ छोटे आइटम जो उनके खुद ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑफ़र में दे देगी, डिस्काउंट दे देगी, ठीक ना, कुछ फिजिकल फैसिलिटी दे देगी कस्टमर को, ठीक ना। और जैसे शादी विवाह में आप जाएंगे हॉल में तो झूला लगा देते हैं, आप झूल लीजिए, कहीं पानी पूरी फ्री खिला देते हैं, कहीं चाय पिला देते हैं, ये उनके टर्म्स में है एक्चुअली। ये छोटे छोटे चीज़ हैं लेकिन इससे क्या है, कस्टमर लाखों का सामान भी खरीदने में हिचकता नहीं है, ठीक ना, उन्हें एक रिलेशन बन जाता है, ठीक ना, कस्टमर छोड़ करके नहीं जाता है, कस्टमर को लगता है नहीं यार ये चाय पिलाया है तो कुछ तो जो है इसका इज्जत तो कर ही दो, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है फैक्टर्स में, ठीक ना। अब आ जाइए हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस क्वालिटी पढ़ने के बाद, देखें बेलरिज सर्विस क्वालिटी मॉडल, ये जो है सर्विस क्वालिटी मॉडल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट को जो है शो करता है। इसमें पांच जो है गैप बताए हैं, ठीक ना, तो इसमें जो है इसका मैं मॉडल ही पहले बना देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, साथ में समझाते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड सर्विस, ठीक ना, उसके बाद परसिव्ड सर्विस, परसिव्ड सर्विस की बात हो रही है ना, परसिव्ड सर्विस, फिर आपने क्या एक्चुअल सर्विस डिलीवरी किया है, एक्चुअल सर्विस डिलीवरी, ठीक ना, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसलेशन ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग इनटू सर्विस स्टैंडर्ड, ठीक ना, और ये जो है आपका जो एक्चुअल सर्विस कैटेगरी होता है बेसिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर होता है, मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल सर्विस, ठीक ना, एंड कम्युनिकेशन विथ कस्टमर, ठीक ना, एक्सटर्नल सर्विस एंड कम्युनिकेशन विथ क्या है, कस्टमर है। फिर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक ना, ऑफ द मैनेजमेंट इनटू सर्विस स्टैंडर्ड, मैनेजमेंट जो है क्या चाहता है, ट्रांस, इसको मैं अभी बहुत समझाऊंगा डिटेल में, ट्रांसलेशन ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इनटू सर्विस स्टैंडर्ड, ठीक है, और अबाउट मैनेजमेंट, मैंने कंपनी क्या चाहती है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देखिए एक्सपेक्टेड सर्विसेज और कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यहीं पे एक्सपेक्टेड कस्टमर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन लिख देते हैं सीधा एक्सपेक्टेशन, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक ना, उसके बाद ये ट्रांसलेशन ऑफ द मैनेजमेंट वाला पार्ट है एक पार्ट, फिर एक्चुअल सर्विस डिलीवरी है, फिर परसीव्ड सर्विसेज है, फिर एक्सपेक्टेड सर्विस फुलफिल हो गया, ठीक ना। अब इसमें जो है ध्यान दीजिए, ये जो आपका है कौन सा परसीव्ड सर्विसेज, ये जो है यहाँ पर सर्विस पॉइंट है, ठीक ना, ये ऊपर वाली जो है लाइन जो है क्या है, सर्विस पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड सर्विस, ठीक ना, ये एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड सर्विस और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, ठीक ना, क्या हो जाएगा गैप वन, ठीक ना,
कंपनी क्या चाहती है और कस्टमर क्या चाहता है, ये पहला गैप हो जाता है, ठीक ना। दूसरा गैप यहां पर बन गया, गैप नंबर टू। यहां पर एक तीसरा गैप बन जाएगा, क्या, गैप थ्री। यहां पर एक गैप बन गया आपका, गैप फोर। और यहां पर एक गैप हो गया, गैप फाइव। इस तरह से पांच गैप, पांच जगह गैप जो है इसमें दिखाया गया है। और यही जो है गैप फोर, ये सर्विस पॉइंट और ये एक्सटर्नल सर्विस को यदि आप नहीं समझ पाए, ठीक है ना, कस्टमर, इसको थोड़ा और डिटेल में हम बताएंगे अभी, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअली जो है वेलरिज सर्विस क्वालिटी मॉडल है, ठीक है ना, ये क्वालिटी मॉडल आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसको एक एक करके जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब थोड़ा सा समझिएगा इसको। अब देखिए, यहाँ पर सर्विस जो है हमने बताया है कि इनटेंजिबल, हेट्रोजेनियस एंड नॉन वेंटोरिएबल होता है, ठीक है ना। सर्विस जो होती है, ठीक है ना, ये हमने आपको शुरू के लेक्चर में बताए थे कि सर्विस आर इनटेंजिबल, मतलब साइकोलॉजी ऑफ माइंड से ही सब कुछ होना है, ठीक है ना, कोई फिजिकल इसमें नहीं रहता, मेंटल हैप्पीनेस रहती है, सेंसुअल बेनिफिट होता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, नॉन इन्वेंटोरेबल मतलब दैट यू कैन नॉट स्टोर, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, डोंट किस द मिस एंड डोंट मिस द किस, दैट मींस कि किसी ने आपको किस किया और वो सिर्फ यादों में रह गया, वो तो किस की और गई या किस किया और गया, ठीक है ना, अब यादें तो रह गई ना, वो इन्वेंटोरेबल बोलते हैं। कस्टमर मतलब सेलिंग स्किल आपकी कैसी है, ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ सेलिंग स्किल जो है, या आपकी पोलाइटनेस भी वहाँ पर कायम देती है, बोलते हैं ना कि व्यवहार से ही व्यापार चलता है। तो ये तीनों चीज जो है यहाँ पर काम आती है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझने में। एंड ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स द परसेप्शन अबाउट द सर्विस क्वालिटी आर फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर द कस्टमर, द सर्विस प्रोवाइडर एंड द मैनेजमेंट, ठीक है ना, के बीच के जो गैप है, ठीक है ना, दैट शुड बी मिनिमाइज, ठीक है ना। क्वालिटी मस्ट नॉट बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, कि भाई हमें चाय पिलाना था, लीजिए चाय पी लीजिए, कहानी खत्म, नहीं, वहाँ पर आपको जो है और भी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो उसको जो है एक साइंटिस्ट हुए जेथामल, ठीक है ना, क्या नाम था, जेथामल, उनने ही ये सर्विस क्वालिटी मॉडल दिया था, जेथामल वेलरिज, ठीक है ना, इसने जो है वेलरिज सर्विस क्वालिटी मॉडल दिया था। अब इस मॉडल के अनुसार देर आर फाइव पोटेंशियल गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट कस्टमर वांट एंड व्हाट वी आर डिलीवरिंग, किस कौन क्या खाना चाहता है और हम क्या दिए हैं, दोनों में जो डिफरेंस है, गैप है, उसको उन्होंने यहाँ पर बताया है बेसिकली, ठीक है। अब उसको उन्होंने कैसे कैसे बताया है तो आप समझिएगा। तो यहाँ फर्स्ट गैप जो है कि कस्टमर क्या चाहता है, ये देखिए, फर्स्ट एक्सपेक्टेड सर्विस एंड मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कस्टमर क्या चाहता है और जो है कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, दैट इज द गैप नंबर वन, ठीक है। अनदर फोर गैप कंट्रीब्यूट टू दिस गैप ओनली, ये गैप एक के अंदर ही ये चारों गैप यहाँ पर है, ठीक है ना। दूसरा गैप है कि यहाँ पर मैनेजमेंट क्या समझ रही है और क्या कर रही है, आपको एकदम बिल्कुल हिंदी में आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, या हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और रियल टाइम में हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दिस गैप आल्सो इंक्रीजेज विद दिस इम्परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट, या और भी चीज़ हो सकता है कि जो हमारा फीडबैक सिस्टम हो, यहाँ पर फीडबैक सिस्टम हमारा अच्छा नहीं हो, फैक्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम अच्छा हो, नहीं हो कि हमारा प्रॉपर फीडबैक मैनेजमेंट तक पहुँच पा रहा है, या दूसरा ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट समझ तो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो आइए अब एक एक गैप हम आपको बताते हैं। पहला गैप क्या है, ठीक है ना, पहला गैप जो है आप ध्यान देंगे तो पहला गैप, गैप नंबर वन,
ना, ये क्या था, मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेड सर्विसेज। तो ये पहला गैप जो है आपका क्या है, इसको लिखना अच्छा रहेगा। पहला जो गैप है आपका वह क्या है, गैप वन। गैप वन क्या है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, याद भी कर लीजिए, कस्टमर एक्सपेक्टेशन माइनस माइनस मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है माइनस मैनेजमेंट क्या समझ रहा है, ठीक है ना। द मैनेजमेंट ऑफ सर्विस कंपनी नीड टू फुल्ली अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ बेसिकली कस्टमर, ठीक है ना। द मैनर इन विच इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, किस टाइप से हम जो है खाने का थाली ले जाएंगे कस्टमर हमारा खुश हो जाए तभी तो रेस्टोरेंट चलेगा, ठीक है ना। तो इस गैप को फुलफिल करना, दैट इज दी फर्स्ट गैप। सेकंड गैप क्या है आपका, मैनेजमेंट कंपनी के बीच की ही बात है, ठीक है ना। अब इसको मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन बाय मैनेजमेंट माइनस द सर्विस अंडर सर्विस स्टैंडर्ड सेट बाई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन बाई मैनेजमेंट, वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझ तो गया, ठीक ना, और उस पर एक स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया कंपनी का, लेकिन कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उसके एक्सपेक्टेशन से लोअर है, नीचे है, कम है, ठीक ना। तो रीजन फॉर दिस गैप में लैक ऑफ मीन्स आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी का नियम ऐसा है कि पहले इनसे साइन कराओ उनसे साइन कराओ, ठीक ना, तब जा करके कुरियर करो। तो जब तक आप करोगे तब तक कस्टमर कहीं और जा चुका रहेगा। मार्केट भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक ना। इवन ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट भी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देना चाहता, सिर्फ पैसा कमाना चाहता हो। तो ये भी जो है आपका ये गैप नंबर टू के लिए रीजन हो सकता है। तीसरा है, ठीक है ना, गैप नंबर थ्री, एक्चुअल सर्विस डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग इनटू सर्विस स्टैंडर्ड। तो ये तीसरा जो गैप होगा, गैप नंबर थ्री, तो कंपनी स्टैंडर्ड माइनस सर्विस डिलीवरी सिस्टम, कंपनी स्टैंडर्ड माइनस सर्विस डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए कंपनी का स्टैंडर्ड सही है, कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी है, लेकिन क्या है कि जो सर्विस डिलीवर करने वाले लोग हैं उनके वो अच्छे नहीं, तो भी कंपनी जो है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो फूड डिलीवरी वाले रहते हैं बहुत सारे कंपनी वाले, उनको बार बार ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो किस तरह से आपको बिहेव करना है, ठीक है ना, और ट्रेनिंग देना भी चाहिए, ठीक है ना। नहीं देंगे ट्रेनिंग तो पूरी कंपनी की लोटियाँ डुबा देंगे वो, ठीक है ना। गैप नंबर फोर, ठीक है ना, फोर्थ गैप क्या है आपके सामने है, ठीक है ना, कि एक्सटर्नल सर्विस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। तो डिलीवरी सिस्टम, ये जो डिलीवरी आपकी, अब डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, लेकिन डिलीवरी सिस्टम माइनस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन केशन टू कस्टमर, ठीक ना। दैट मीन्स कि मेनी टाइम्स, ठीक ना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स वी मेक प्रोमिस, ठीक ना, टू कस्टमर डिलीवरी आइटम अब दे देंगे तब दे देंगे, लेकिन एक्चुअल डिलीवरी हमारा फेल कर जा रहा है। एक्चुअली हम कमिटमेंट तो कर दिए लेकिन हम कर नहीं पाए,
ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग दैट योर प्रोमिस मेक्स द कस्टमर फूल्स एंड कंपनी गेट्स इन बैकवर्ड पोजिशन इफ द कस्टमर इज नॉट हैप्पी बेसिकली, ठीक है। पांचवा जो गैप है और लास्ट जो गैप है उसमें ये कहा जाता है, जो है आपके जिथमल ने कहा कि पांचवा जो ये कि कम्युनिकेशन, ये तो है कंपनी अंडरस्टैंडिंग, कंपनी क्या समझ रही है, कंपनी अंडरस्टैंडिंग, कंपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेक्टेशन माइनस सर्विसेस, ठीक है। तो कंपनी क्या जो है समझ रही है, ओवरऑल गैप कंपनी समझ रही है एज परसीव्ड बाय द कंपनी, ठीक है ना, एंड इवेंचुअली रिसीव्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर भी रिसीव कर रहा है, बट दिस गैप टेक्स प्लेस बिकॉज द कंपनी हैज टू डिजाइन इट्स सर्विस क्वालिटी एज पर द कस्टमर, मतलब उसको एक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना, इवन दाउ द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इज वेल अंडरस्टूड, समझ तो गई है कंपनी कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, लेकिन उनके पास देयर इज ए लैक ऑफ आइडिया, ठीक है ना, लैक ऑफ आइडिया टू फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, लैक ऑफ आइडिया वहाँ पर है जिससे कि कस्टमर के उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये था हमारा वेलरिज सर्विस क्वालिटी मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर फाइव गैप्स, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला गैप जो है आपका क्या है कि कस्टमर, यहीं पे पहला गैप है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है ना, और मैनेजमेंट क्या समझती है, मतलब कंपनी क्या सोच रही है और कस्टमर का क्या उम्मीद है, दोनों के बीच का गैप। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन बाय मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा गैप। तीसरा गैप होता है कि कंपनी का स्टैंडर्ड अपने जगह पर है और डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, चौथा गैप। बड़ी बड़ी बातें कर दिए, प्रोमिस कर लिए लेकिन किए कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर कंपनी की अंडरस्टैंडिंग, कंपनी समझ भी पा रही है कि हाँ कस्टमर हमसे हैप्पी नहीं है, कस्टमर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कस्टमर के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही है, तो उसको हम लोग पाँचवा गैप यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपका पाँचवा गैप हो गया, ठीक है ना, और जो है वेलरिज ये हो गया सर्विस क्वालिटी मॉडल, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस क्वालिटी हमने आपको बता दिया, कुछ और भी बहुत सारे हैं, ये तो हमने मेन वो बता रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में कभी लिखने की पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सर्विस ट्रेंगल हमने आपको बताया, तो तीन टॉपिक इस एक सिंगल वीडियो में हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट क्लास में सर्विस का जो है एक लास्ट ही जो है वीडियो होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे फॉर्म डिजाइन, फंक्शनल डिजाइन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज की बात करेंगे, और सर्विस के कुछ और पार्ट्स को समेटने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्नचित रहिए, हमारे वीडियोज को देखते रहिए, अपने ज्ञान वर्धन करते रहिए और जीवन में उन्नत समुन्नत होते रहिए, समृद्ध बनिए, भारत को भी समृद्ध बनाइए। जय हिंद।